Hey, नूडल्स हेड, इतनी गुमसुम क्यों बैठी हो तुम? कुछ नहीं अर्जुन। क्या यार, क्या हुआ? मणि आ रहा है। हाय नूडल हेड, कैसा भाई? जब से शादी हुई है हमसे मिलने भी नहीं आया तू, और अभी आया तो लेट आ रहा है। मेरी शादी हो गई इसीलिए लेट होता हूँ। एक शादीशुदा आदमी समझ सकता है कि दोस्तों से मिलना कितना मुश्किल होता है। तुम नहीं समझोगे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं कम से कम तुम्हारे पास आ तो गया। अबे चल जा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, चल निकल। तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो, ड्रिंक्स के लिए बुलाया ऊपर से गालियां दे रहे हो। जा रहा हूं मैं। ये क्या था, दारू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ला 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 ला। एक बात बता भाई, तुमने थर्मोडायनेमिक्स का पेपर कैसे क्लियर किया था? मुझे तो लगा कि मैं कभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, इसने सिखाया तुम्हें। बस सही यार, सेलिब्रेशन तो बनता है। यस, ये तो नींबू पानी जैसा लगता है। यानो, क्या करें, लोना। देखते हैं। अरे आ गया होम मिनिस्टर का फोन। हाय बेबी, अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक्स लेने गए हो ना? कसम से मैं नहीं पी रहा हूँ बेबी। ए, मेरी झूठी कसम खा रहे हो? अरे मैं सच कह रहा हूँ, नहीं पी रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारी लोकेशन भेज दो, मैं भी वहाँ आती हूँ। भेजो ना। अरे छोड़ो ना, मैं घर पे ही आ रहा हूँ। हैं, झूठ बोल रहे हो ना? बे 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 बेबी 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 बाय बेबी बाय 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 बेबी। क्यों बे, ये बेबी बेबी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है तुझे? अरे वाइफ है, ऐसे बुलाऊंगा, कोई प्रॉब्लम है? अरेंज मैरिज है तो फिर इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? ओह, अरेंज मैरिज करना तुम्हें इतना आसान लगता है? 4 साल रिलेशनशिप में रहो, फिर शादी करके सेक्स के मजे लो, यही है ना लव मैरिज? है किसी अजनबी से शादी करो, पहली रात से ही मजे लो, यही है अरेंज मैरिज, है ना? क्यों, अरेंज मैरिज तुम्हें आसान लगता है? अरेंज मैरिज का अलग ही मजा होता है भाई। जाओ बे, मैं किसी अजनबी से शादी करूं? नो चांस। अच्छा 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 अच्छा, चल बट ले। एक दिन फंसोगे डूड, फिर मैं भी हंसूंगा तुम्हारे ऊपर। हम शादी कर लें क्या? अर्जुन? तुम अर्जुन ही हो ना? हाँ, लेकिन तुम? मीरा, तुम्हारी स्कूल की सीनियर, भूल गए क्या? मीरा दीदी? दीदी मत कहो, तुमसे 2 ही साल बड़ी हूँ बस। कितने साल बीत गए, आखिरी बार स्कूल एनुअल डे के फंक्शन में मिले थे, फिर 7th grade में तुमने स्कूल चेंज कर लिया था। हाँ, पापा का ट्रांसफर हो गया था तो हमें वहाँ जाना पड़ा। मीरा, एक मिनट। ठीक है, अब मुझे जाना होगा। विल कैच यू लेटर। ओके। हे, फ्रेंड्स बुक में ऐड करना मत भूलना। ओके। मीरा दीदी, मुझे भी एक चप्पी। अरे मुझे दीदी ने मुझे झप्पी नहीं दी। थैंक्स ब्रो। वेलकम सर। और किसी से गले मिलना अभी बाकी है क्या? तुमसे शादी के बारे में पूछा और तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हो। hey, हम तो सिर्फ दोस्त हैं यार, चलो छोड़ो। ये भी तो मेरा दोस्त है, इसके गले तो मैं नहीं मिलती। hey, I'm married dude। हाँ, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ चल। इसका नाम है मैथ्यू, एज 28, डॉक्टर। बस इतना ही मुझे पता है। पिछले 10 दिनों से पापा मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं इसे शादी कर लूं। I was a bit confused, पर तुमने सही कहा कि हम ऐसे ही किसी अजनबी से शादी नहीं कर सकते। वही सोचकर तो मैंने तुमसे पूछा। देखो तो कैसा दिखता है? अरे मुझे लगा डफर दिखता होगा। अच्छा तो दिखता है, कोई बात नहीं, जैसा मैंने सोचा था उससे तो अच्छा ही है। फोन दो मेरा। तुम सोचो फिर बताओ क्या करना है, ठीक है? ए, अनु। अरे ए, अनु। ए भाई, बिल पे कर देना प्लीज। ए, पार्टी तुम्हारी थी, बिल मैं भरूं? अनु भैया, एक मिनट रुको। हाँ हाँ, चलो भाई। श्री सम्राट अशोक के जीवन का केवल यही सिद्धांत है और हमें उसी पर कायम रहना है। अरे यार ये हील्स। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ अकेले खड़े थे इसलिए मैं आ गई। ऐसी कोई बात नहीं है। आई कैन रीड योर फेस। ओके,
ए डूड, ये कैसा है? 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 कैसा दिखता है ये? शादी हो जाने दे, फिर तरसेगा इसके लिए, तब देखती हूँ मैं क्या कहता है। पहले जिंदगी में कुछ हासिल करो, उसके बाद बात करो। किस्मत है जो डोसा मिल रहा है, चुपचाप खाओ। आंटी एक डोसा और दीजिए ना। अर्जुन अर्जुन मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैंने सपना देखा। अनु, मैंने थोड़ा सोचा है, तुम्हें ना कहने की कोई वजह नहीं है। क्या कह रहे हो तुम, क्या मतलब है? मतलब कि मुझे तुमसे शादी करनी है। हे, तुम नशे में हो इसलिए बड़बड़ा रहे हो। अरे जब मैं नशे में होता हूँ तभी तो सच बोलता हूँ। हम सब ये मानते हैं कि शादी की गांठ स्वर्ग में ही बांधी जाती है, जैसे बादलों की गरज और बिजली की चमक। अरे तो क्या हुआ, मैंने तो पहले ही कहा था। भाई साहब थोड़ा आगे सर रखिए। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ बैठो। हाँ सुनो। वेलकम। अभी मैं देखो यहाँ पे हूँ कोर्ट में, मैं ज्यादा बातें नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूँ ना। आए नहीं अभी तक। स्वाति कैसी है? अच्छी है। और तेरा बेटा? वो भी अच्छा है। क्या नाम सोचा है उसके लिए? अब चुप ना। सॉरी भाई साहब, वो ज्यादा जरूरी है क्या? बात सुन, मुझे लगता है तुम दोनों तलाक का डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ले रहे हो। शादी का डिसीजन जल्दबाजी में लिया था इसलिए ये हालत है। इडियट कहीं का। ए प्लीज यार, तुम दोनों खुल के बात करो, हल निकलेगा यार। अब कोई फायदा नहीं है, चुप बैठना ही ठीक है, जस्ट लीव इट। अबे आइए मैडम, चलिए थोड़ी जगह बनाइए, सर की है ना उधर। आइए मैडम बैठिए। मनी हाँ? तू वहां पर क्यों जा रहा है? वो भी मेरी दोस्त है यार। मैडम नमस्ते। मैडम नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। पहला केस किसका है? छोटे भाई, नीली शर्ट में तुमसे ही बात कर रहा हूं। क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त तुम्हें तुम्हारी बीवी से मिलाने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है ना, बोलो। तो तुम कौन हो, क्या चाहिए तुमको? तुम्हारा नाम अर्जुन है ना, मुझे क्या चाहिए वो मैं बाद में बताऊंगा। ये सोचो कि तुम्हें आज डिवोर्स मिल जाएगा। हा? वो भी तो आई है ना पागल। हे, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं अर्जुन, अगले 15 मिनट में इस कोर्ट में क्या होने वाला है मुझे सब कुछ पता है। बताऊं? सुनोगे?
अर्जुन तुम आगे आगे देखते जाओ, अभी दो मिनट के बाद यहाँ पर तुम्हारे केस की पुकार लगने वाली है। तुम दोनों जज के सामने खड़े हो जाओगे और जज तुमसे सबके सामने डिवोर्स का कारण पूछेंगी। फिर तुम अपनी बात कहोगे, फिर वही सवाल तुम्हारी वाइफ से भी पूछा जाएगा। जैसे ही वो जवाब देने वाली होगी बेहोश हो जाएगी। घबराहट में दौड़ के तुम्हारा दोस्त आगे आएगा, कांस्टेबल 108 नंबर डायल करके एम्बुलेंस बुलवाएगा। फिर वो वकील तुम्हारी बीवी के मुंह पे पानी छिड़केगा। अगले दो मिनट के बाद एम्बुलेंस आ जाएगी। वो ना चाहते हुए भी तुम्हारा दोस्त उसे एम्बुलेंस में लेकर के जाएगा। ये सब देखते हुए जज सुनवाई को 4 बजे तक पोस्टपोन कर देंगी। फिर जब तुम 4 बजे आओगे तो तुम्हें डिवोर्स नहीं मिलेगा। चुप बे पागल, एम्बुलेंस 2 मिनट में कैसे आएगी, ट्रैफिक कितना जाम होता है। जो भी ये पागल बोलेगा वही होने वाला है। तुम्हें ये डर है कि तुम्हें डिवोर्स मिलेगा या नहीं? कोई डर नहीं है। और अगर तुम्हें डर लगा तो इस एड्रेस पे आ जाना, मेरा बॉस तुम्हें डिवोर्स दिलवा देगा। केस नंबर 23314, अर्जुन वर्सेस अनुपाल राज। क्या इस डिवोर्स में तुम्हारी सहमति है? जी हाँ जज साहिबा। क्या इस डिवोर्स में तुम्हारी भी सहमति है? अनु, अरे अरे, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाइए। संभालो, अनु, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। अनु, अनु, हेलो एम्बुलेंस। मैडम उठिए, मैडम आपके पापा को क्या जवाब दूंगा मैं? अरे भाई देखो एम्बुलेंस आई कि नहीं। रास्ता छोड़िए। इस केस की सुनवाई 4 बजे तक स्थगित की जाती है। तुम ठीक तो हो ना? तुम 4 बजे आकर डिवोर्स पेपर पर साइन करोगी ना? कर हो गया। तुम्हें डर सताएगा कि तुम्हें डिवोर्स मिलेगा या नहीं? अगर तुम्हें वो डर सताए तो जाओ, जाओ, यही जगह है। क्या साहब, ये उजड़ा चमन लव कोर्ट कहलाता है? उजड़ा चमन? इतनी बड़ी बिल्डिंग तुम्हें दिखाई नहीं देती। ये बिल्डिंग है? सुबह सुबह पीकर आया हो गया। मैं पीकर आया हूँ और तुम बहुत सही हो। ए, भाड़ा दे दो मेरा, संभल के जाना। 130 रुपए हुए। मुझे सिखा रहे हो? हाँ, जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। भूतिया बिल्डिंग को लव कोर्ट बता रहा है। अर्जुन आ जाओ, आ जाओ। अब तुम्हें डर लग रहा है ना? मैंने बोला था तुम जरूर आओगे। योई, कौन हो तुम और ये सब होने वाला था तुम्हें कैसे पता? ये लव कोर्ट क्या है? क्यों फंसाया तुमने मुझे? हाँ मैं बात कर रहा हूं, तुम्हें हंसी आ रही है? जवाब दो मुझे। बॉस, बॉस, हाय अर्जुन,
कैसे हो तुम? हाँ, कोर्ट में सब ठीक तो है ना? हाँ, सर। हाँ, आप हो कौन सर? मेरी जिंदगी का तमाशा क्यों बना रखा है? हाँ हाँ हाँ, आप कौन हो सर और मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? रुको, मेरा फोन लेकर आना। फोन वहां पे है सर, जाके खुद ले लीजिए, जाइए। वो चेयर ले आओ ना। लेकिन क्यों? कहा वैसा करो, बैठो बैठो। रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हो कौन और ये कैसी जगह है, और मैं रिलैक्स क्यों हो जाऊं, बताओ। ठीक है, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता हूं, बट मोर इम्पोर्टेंट, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, तभी तुम्हें डिवोर्स दिलवाऊंगा। तुम दिलवाओगे? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा? अरे अरे अरे, ए, कस्टमर जा रहा है, रोकोगे नहीं क्या? हाँ क्या अर्जुन, इतनी बेसब्री ठीक नहीं, ये बेसब्री ही आज तुम्हें यहां लेकर आई है, जरा सब्र करो। अनु से तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? पहले मुझे वजह बताओ, उसके बाद ही तलाक दिलवाऊंगा। तुम समय की चिंता मत करो, समय नाम की कोई चीज नहीं होती है, और अगर होगी तो बॉस ये केस 3 बजे से पहले निपटा देंगे। अर्जुन मारिमुथु, अनु पालराज, लव मैरिज क्या? लव आफ्टर मैरिज? नहीं, लव मैरिज नहीं है, मैरिज के बाद लव नहीं हुआ तो फिर हुआ क्या है मेरे भाई? बिना लव का लव मैरिज था। क्या मजाक है, हम लोग को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। मेरे बचपन की बेस्ट फ्रेंड ने मुझे शादी के लिए पूछा तो मैंने हाँ कर दी। क्यों हाँ कर दी? क्योंकि ना करने की मेरे पास कोई वजह नहीं थी, लेकिन इसमें लव कहीं भी नहीं था। ओ, ये लव के बिना लव मैरिज है। ओके ओके ओके, तुम्हें प्यार नहीं था, ठीक है, मना करने के लिए ये सही वजह नहीं थी क्या? तभी छुटकारा पा सकते थे ना। आजकल के लड़कों की यही प्रॉब्लम है, जब ना कहना चाहिए तब हाँ कहते हैं, फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं। तब अकल कहाँ थी? सर, रोज रात को सोने से पहले हम एक दूसरे से फोन पर बात करते थे, लेकिन शादी के बाद तो ऐसा था कि वही दोस्त अब बिस्तर पे भी मेरे साथ थी, तो फिर ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? यही सोच के मैंने हाँ कर दी, लेकिन शादी के बाद ही मुझे महसूस हुआ कि वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। क्यों? लोग तो चाहते हैं कि अपनी दोस्त से ही शादी हो जाए, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कैसा गधा है? क्या हुआ अर्जुन? पागल, तुम्हें अपनी बीवी में एक फ्रेंड दिख सकती है, लेकिन एक फ्रेंड में बीवी देखना ये कभी नहीं हो सकता। मुझसे पूछो ना, मैं कहानियों की लड़ी लगा दूंगा। तो फिर दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, राइट? तो घर वालों को कैसे मनाया? इंटरकास्ट मैरिज है, उन्होंने विरोध तो किया ही होगा। दूसरे ही दिन दोनों घर आ गए सर, बाप और बेटी। माँ, अरे अर्जुन बेटा, आओ आओ आओ, हमने नींद से तुम्हें जगा दिया, जाओ मुंह धोकर आ जा, तब तक तुम दोनों की शादी की बात करते हैं। तूने अनु से शादी करने के लिए हाँ कह दिया? क्या लगता है तुम्हें, बोलो ना। हाँ पापा। तुमने तो बताया था कि ये तुम्हारी दोस्त है। ये अभी भी मेरी दोस्त है पापा। सर, कैसे होगा? क्या कैसे? ये कैसे होगा सर? क्या कैसे होगा, आप क्या बोल रहे हैं? अपनी बेटी की शादी इससे करवाने का कैसे सोचा आपने? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अर्जुन को बचपन से जानता हूँ, मुझे भरोसा है कि मेरी बेटी को अच्छे से रखेगा वो, मुझे सोचने की क्या जरूरत है? आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि हम क्रिश्चियन हैं इसलिए कैसे हो? अरे नहीं नहीं, ये सब मैं तो नहीं। प्रॉब्लम क्या है सर? ये 2 साल से फेल होता आ रहा है, कोई काम धंधा भी नहीं करता, एटीकेटी अभी क्लियर किया इसने। भाई साहब, इतनी सी बात के लिए परेशान है? अर्जुन किसी और कंपनी में काम करे, इससे अच्छा मेरी बेटी की तरह मेरी कंपनी में काम करे, और फिर मेरे बाद सब कुछ इनको ही तो संभालना है ना भाई। क्यों अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है? वो मैं, अरे आप इससे क्या पूछ रहे हैं, आप अपनी बेटी और नौकरी दोनों दे रहे हैं, आपका तो बहुत बड़ा दिल है सर, तो शादी का मुहूर्त कब रखना है? जल्दी ही तय कर लेंगे। लो, तुम्हारे डैड तो राजा आदमी निकले। कौन? मेरे डैड? हाँ, पहले मेरी कहानी तो सुन लो यार। शादी मंदिर में होगी या फिर चर्च में होगी, इसका कंफ्यूजन खत्म करने के लिए हमने रजिस्टर मैरिज कर लिया। शादी का रिसेप्शन 5-स्टार होटल में था। शादी के तोहफे के तौर पर 14 फ्लोर पे बीच फेसिंग फ्लैट मिला। जिंदगी बहुत ही अच्छे से कट रही थी। अरे मुद्दे पर आओ सर। मुद्दे पर आओ। आ रहा हूं सर।
क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, वन मिनट। हाँ तुम हंस क्यों रहे हो? वो मैं बचपन से तुम्हें एक दोस्त की तरह देखता आया हूं ना, और अचानक ऐसे बंद कमरे में तुम्हारे साथ रोमांस करना सोच के ही थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए मैं हंस रहा हूं। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? फोर्सफुली कुछ नहीं होगा, जब जो होना है तब हो जाएगा। आर यू श्योर? श्योर, हनीमून पोस्टपोन कर सकते हैं। ये तो ट्रेजेडी हो गई। छी, अरे भाई, वो हम इतने सालों से दोस्त रहे थे, तो अचानक उस नजर से उसको देखना थोड़ा सा मुझे चीप लगा था। यू नो व्हाट आई मीन? हाँ हाँ, समझ रहा हूं। तो लड़की से दोस्ती होना असली प्रॉब्लम है। ओके, आगे सुनो। रोमांस के बगैर भी पहले 3 हफ्ते बहुत अच्छे से गुजरे। इसमें मेरी जगह कौन सी है? ये कोना। कौन है आप? अर्जुन, ओह माय गॉड। अब मुझे माँ के डोसे की वैल्यू पता चली। ये कोई डोसा है क्या? अर्जुन! हे, नूडल्स हेड, सुबह सुबह डरा दिया। दादाजी, ये हमारा घर नहीं है। सॉरी भैया, मेरे दादाजी को भूलने की बीमारी है। बस इसीलिए मैं भाग रहा हूँ, पर कब तक भागोगे? एक मिनट डैड। अर्जुन, डैड पूछ रहे हैं मंडे से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो क्या? हाँ बोलो ना। अब देखो तुम काली का खेल, खेल शुरू हो चुका है काली का। जवाब तो दो। ओके ओके, हाँ वो आ जाएगा डैड। डिस्टर्ब मत करो अनु, मैं मनी से हार जाऊंगा। It's okay. Hi, ये कौन है? ये है नूडल्स हेड, मेरी फ्रेंड। Hey. मेरी वाइफ। Yes! मणि को हरा दिया। मेरे दादाजी की तरह भूलने की बीमारी है क्या? ये लो, लगाओ मुंह पर। लो लो लो। रुको, I'll kill you. क्या हो रहा है ये सब? पति पत्नी की तरह कब पेश आओगे तुम दोनों? तो फिर मड़ी का गेम बजा या नहीं? डबल मीनिंग था या सिंगल? सिंगल मीनिंग था सर। अच्छा, फिर 3 हफ्ते बाद क्या हुआ? मैंने मेरे डैड का ऑफिस ज्वाइन किया। काम क्या करते थे? तुम्हें टाई पहनने की क्या जरूरत है? ए नूडल्स हेड, फर्स्ट टाइम मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऐसे जाऊंगा तो इम्प्रेशन जमेगा ना, पापा खुश हो जाएंगे। ओए, ऑफिस कहाँ पर है? यही तो है ऑफिस। ये? हाँ, चलो।
ये वेस्टर्न कमोड यहाँ पर क्यों रखा है? इसे अंदर होना चाहिए। अर्जुन, ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है। सिरेमिक्स कहा था तुमने? ये भी सिरेमिक से ही बनता है। स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी। कम गुड मॉर्निंग। ए अनु, मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो ऐसे? मेरा काम तो बता दो। सॉरी, वन सेकेंड। टेस्लिन? यस मैम। इन्हें डैड के पास ले जाओ। ओके मैम। डैड तुम्हें काम समझा देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके बाय। एक्सक्यूज मी सर, हमें ख्याल रखना है कि इस पर बैठते समय पैर नहीं। जी सर। चाहिए जी। अर्जुन इधर। काम हिया। जी सर। बैठो। हैं? बैठो इस पर। हाँ इस पे बैठो। बैठो, बैग तो निकाल दो। निकालो इसे। हाँ, अब बैठो। ठीक से आराम से ठीक से बैठो ना। हाय, ठीक है ना? हाँ। कंफर्टेबल? ओके। अंकल ग्रिप अच्छा है? स्लिपरी नहीं है ना आगे की तरफ? अंकल ये क्या हो रहा है? अंकल एक ही जगह जहाँ इंसान शांति से बैठ सकता है, है? इसीलिए कंफर्ट और क्वालिटी दोनों का ख्याल रखना पड़ता है हमें। तुम्हें यहाँ यही सब देखना है। क्या कहते हैं उनको? क्वालिटी चेक कंट्रोलर सर। हाँ वही। अंकल मैं ये कैसे कर सकता हूँ? अरे ये काम मैं 20 सालों से कर रहा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे घुटनों में दर्द होता है इसलिए ठीक से बैठ नहीं पाता, इसीलिए अब ये काम तुम देखोगे। ऑल द बेस्ट। अच्छा बेटा, कस्टमर्स को हमें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देना है तो सबसे पहले प्रोडक्ट हमें पसंद आना चाहिए, ठीक है ना? चलता हूँ। ओके सर। हे हे, आप दोनों को मेरी हालत पे हंसी आ रही है? अरे नहीं नहीं, हालांकि तुम जो बोल रहे हो बहुत फनी है। मस्त है, मजा आ गया। क्या बात है। ए नूडल्स हेड, ये काम बहुत ही बोरिंग है यार, मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा। फर्स्ट डे सबको काम बोरिंग ही लगता है अर्जुन, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। बस कर यार। तो तुम्हें आदत हो गई अर्जुन? हाँ मुझे आदत हो गई, ज्यादा ही आदत हो गई। सोचो अगर ये काम तुम्हें 6 महीनों के लिए करना पड़े तो। काम है यार। है ना बोरिंग काम? सोचो मेरा क्या हुआ होगा। कॉलेज में फेवरेट टीचर, लेकिन लेक्चर बोरिंग तो मैं क्लास से निकल जाता था, लेकिन रोज के 9 घंटे तुम्हें सिर्फ यही काम करना है, बैठो और खड़े हो जाओ। कैसा लगता होगा? ना पसंद था और ना ही मैं छोड़ सकता था। क्या करूं, कमिटमेंट थी। चलो ठीक है, बैठ के बात करते। नहीं नहीं, मैं खड़ा ही ठीक हूं। वो सब तो ठीक है, तुमने अपनी बीवी को तो कहा होगा ना? क्या कहा? वही 6 महीने से कमोड पर बैठने का जो काम कर रहे थे, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो अपनी बीवी से मना कर सकते थे इसके लिए।
वैसे भी मैं कुछ नहीं करता था सर, अगर इस काम को मना करता तो उसे बहुत बुरा लगता ना। बिल्कुल सही। फिर तूने और कुछ किया है? नहीं, खुद की लाइफ को टाइमलाइन के साथ सिंक कर लिया। नॉट गुड। एक्सक्यूज मी सर, एक लड़की आई है, उसे कुछ हेल्प चाहिए, यहाँ भेज दो क्या सर? ओके सर। सुनो, उस पे बैठो। सब ठीक से चेक कर लेना, हाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे ठीक करना पड़ेगा, ठीक है? बिना क्वालिटी चेक किए कोई भी चीज कस्टमर के पास नहीं जानी चाहिए। हाँ मीरा, तुम इसे जानते हो? हाँ अंकल। ठीक है, फिर तब तक तुम उसकी मदद करो, मुझे एक मीटिंग में जाना है। हाँ यहाँ क्या कर रहे हो? देखो मुझसे कुछ मत पूछना, बस इतना बताओ कि तुम्हें क्या मदद चाहिए। अर्जुन, मैं डायरेक्टर गौतम मेनन की असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही हूँ। सच कह रही हो? हम सर की अगली फिल्म के लिए लोकेशन ढूंढ रहे हैं और 6 दिन की शूटिंग होगी, अगर परमिशन मिल जाए तो। 6 दिन क्या होते हैं, 60 दिन शूटिंग कर लो, ये मेरी कंपनी है। तुम्हारी कंपनी? हाँ, कंपनी ससुर जी की है, बट डोंट वरी मैं संभालूंगा। ए, तुम्हारी शादी हो गई है? एक दिन में कितने झटके देने वाले हो? Anyways, thanks for the help. Thanks to you. मैं यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ, लेकिन यहाँ शूटिंग होगी तो मजा आएगा। तो सब ओके? अच्छा ठीक है, तो मुझे तुम्हारा नंबर देना, कंफर्म करके मैं शाम को बता दूंगा। sure. 9841098410222485485 ये मीरा कौन है? स्कूल की सीनियर। बचपन का प्यार सर। देखो कैसे शर्मा रहा है। मीरा की फोटो यहां पर। केस स्टडी, तुम आगे बोलो। मीरा, एक दिन मेरे ऑफिस में ये डायरेक्टर की तरह बात मत करो, चलो। ये पैकेजिंग डिपार्टमेंट है और ऊपर गोडाउन है, यहाँ ऑफिस केबिन है, तुम जहाँ चाहो शूटिंग कर सकती हो। लेकिन मीरा, मैंने कभी सोचा नहीं था हम फिर से मिलेंगे। लास्ट टाइम जब हम मिले थे मैंने तुम्हें फ्रेंड्स बुक पर ऐड करने के लिए कहा था। सॉरी, अब कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, बाय, चलती हूँ। हाँ बाय। बाय। अर्जुन, hey! कौन थी वो? जानी पहचानी लग रही थी। अरे मीरा थी, हमारी स्कूल की सीनियर, एक दिन उसे पब में मिले थे ना। अरे भूल गई क्या? भुलक्कड़। वही जिसे तुम दीदी बुलाते थे। वो तो तब की बात है, अभी तो मीरा ही बुलाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ क्या करने आई थी? वो यहाँ शूटिंग की परमिशन लेने आई थी। शूटिंग? हाँ। तुमने क्या कहा? मैंने हाँ कह दिया। क्या कहा? ओके। ओके कहा? हाँ। अगर ऑफिस में शूटिंग होगी तो हम काम कैसे करेंगे अर्जुन, इस बारे में नहीं सोचा तुमने? देखो अनु, सबके सामने। पहले ये बताओ किससे पूछकर हाँ कहा तुमने? अंकल ने मुझे उसकी मदद करने के लिए कहा था। डैड ने? क्या हुआ अनु? डैड आपने शूटिंग करने की परमिशन दी है? नहीं तो? आपने मुझे उसकी मदद करने के लिए कहा था ना, तो मैंने। हाँ अर्जुन, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए, शूटिंग की परमिशन दी तो हमारा काम डिस्टर्ब होगा। ठीक है अंकल, मैं उसे मना कर दूंगा। हेलो, हाँ बोलिए। एक्शन। बैठो बैठो। सर, आपकी चेयर पर बैठूं? किसी की चेयर परमानेंट नहीं होती अर्जुन, बैठो। मुझे ऐसा लगता है कि ये टेबल इतना गंदा क्यों है, तुमने साफ क्यों नहीं किया? सर ये टेबल आपका है तो आपको करना चाहिए था ना सर। क्या सर, आप अपना भी काम मुझे ही दे रहे हैं। सुनो, तुम इससे कुछ पूछना चाहते हो ना? अरे मेरा गुस्सा इस पर मत निकालो, कस्टमर है। मुझे लगता है तुम्हारी बीवी इसलिए नाराज हो गई क्योंकि तुमने शूटिंग के लिए हाँ कर दिया। मेरे ख्याल से ये मीरा तुम्हारी लाइफ में आई ना इसीलिए, और इस बात को पूरे यकीन से कह सकता हूँ मैं। सुनो भाई, बहुत देर से बैठे हो, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ भैया। हाय मीरा। हाय। ये 1 किलो दे दो मुझे। हाय अर्जुन, 1 मिनट। साथ में थोड़ी मिर्ची भी दे देना। इसमें से 3 थी ना? हाँ बस, इसमें डाल दो।
थैंक्स दीदी, खाते में लिख देना। हाँ ठीक है। बोलो ना, कुछ कहना था ना तुम्हें? क्या हुआ है मीरा? मैंने मान लिया था कि वो मेरी कंपनी है और शूटिंग के लिए हाँ कर दी, लेकिन मेरे ससुर जी और वाइफ को इससे एतराज है, तो मैं इट्स ओके। ये तो मुझे फोन पर भी बोल सकते थे। नहीं, मुझे लगा मुझे सॉरी कहना चाहिए था, तो सॉरी मीरा। इट्स ओके, एक दो दिन और ढूंढूंगी तो दूसरी लोकेशन मिल जाएगी। मीरा दीदी, फिल्म शुरू होने वाली है, आप नहीं देखोगे क्या? मैं आती हूँ। ठीक है जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। अर्जुन, हमारे साथ फिल्म देखने चलोगे? कहाँ? ये डाइनिंग रूम है और ये किचन। बहुत अच्छा है। ये बाथरूम, वाह, बालकनी भी है। यहाँ बैठ के हम चाय पियेंगे, कैसा लगेगा? बहुत अच्छी जगह है मीरा। सच में? और इस दीवार पे हमारी तुम्हारी फोटो। मेरा सपना है कि मैं यहाँ अकेली फिल्म देख पाऊँ। और अपने बेडरूम को हम, लेकिन यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। अपना बेडरूम इतना अच्छा होगा कि लोग कहेंगे क्या बात है। क्यों, क्या हुआ मीरा? अरे बोलो ना, क्या हुआ? तुम्हें ये फिल्मों में काम करने का इंटरेस्ट कब से है? तुम नाराज हो गई? एक्चुअली जब मैं छोटी थी तब से मुझे कहानियां कहना पसंद है। अरे भाई, मैं तो स्कूल और कॉलेज के दिनों में मैं ड्रामा डायरेक्ट करती थी। ऐसी तालियां मेरे लिए भी बजती थी, तभी डिसाइड कर लिया था कि डायरेक्टर बनना है। सोचा कोशिश करके देखती हूँ, वही कर रही हूँ। जब स्कूल और कॉलेज में मेरे लिए ऐसी तालियां बजती थी तभी से मेरा ये छोटा सा सपना था कि मैं एक्टर बन जाऊं। रियली? तुमने कभी ऑडिशन दिया है क्या? काश दिया होता, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया। क्यों? पता नहीं, मेरा मिडिल क्लास फैमिली, अगर मैं अपने पापा से कभी ये कहता कि मुझे एक्टर बनना है तो उनके रिएक्शन के बारे में सोचकर ही डर लगता था। ओह गॉड। हे, हाय। हाय। तुम कहाँ थे अर्जुन, लेट हो गए? हाँ, मीरा से मिलने गया था। वो किस लिए? किस लिए? तुम्हारी कंपनी ने शूटिंग की इजाजत नहीं दी ना, इसलिए सॉरी कहने गया था। ये बात तुम फोन पर भी बोल सकते थे। ए, मुझे लगा कि मिलकर सॉरी कह देना चाहिए। अब इसके लिए भी तुम्हारी और तुम्हारे डैड की परमिशन लूं? चिल्लाओ मत अर्जुन। मैंने तुम्हें कहा था कि ऑफिस में मुझ पर चिल्लाओ मत, तुमने वो सुना क्या? ये शक है, तभी करना चाहिए जब वो करे, वरना शक बहुत मामूली चीज है। हैं? कुछ नहीं, आगे सुनाओ। और क्या सुनाऊं सर, अगले पूरे हफ्ते उसने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। अरे छी। Hey, तुमने चैनल क्यों चेंज किया? मुझे वो गाना पसंद नहीं है। तुम्हें ए आर रहमान के सारे गाने पसंद है ना? हाँ, लेकिन ये वाला गाना मुझे पसंद नहीं, समझ गए? वो तो कोई और था, कौन सा था? जारेवन, 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 जारेवन,
मैं माँ बन गया हूँ. है? सॉरी, मैंने इसे माँ बना दिया. ओह माय गॉड, कांग्रेट्स. थैंक यू. कांग्रेट्स मनी. थैंक यू. गुड जॉब. कांग्रेचुलेशंस मनी. कुछ मीठा खिलाओ. लेट्स गो. अरे ऐसे क्या देख रहा है तू मुझे? इतनी जल्दबाजी क्यों की तूने? जल्दबाजी? हाँ. बच्चे, यही तो जीवन का अगला कदम होता है बेटा. मुझे तो लगता है कि मैंने कुछ बड़ा हासिल कर लिया जीवन में. अरे बाबा, वो मेरी कुटाई कर देगी. नहीं, और फिर लोग इसे पीते ही क्यों हैं? और सुना भाई, बच्चे को लेकर तुम्हारी प्लानिंग? तुझे कुछ पता ही नहीं है, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है अब तक. क्या बोला, कुछ नहीं हुआ? एक, चिल्ला क्यों रहा है तू? तुम्हारे बीच सच में कुछ नहीं हुआ? बड़म, सब कुछ तो ठीक है ना, डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? बकवास मत कर. तो फिर मैं हमारी नूडल्स हेड को वाइफ की तरह नहीं देख सकता यार, और ऊपर से वो मुझ पर शक भी करती है. तुम पे शक करती है? क्यों? बेटा, वो इनसिक्योर फील कर रही है, शायद इसीलिए तुम पे शक कर रही है वो. अगर तुम दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ेंगी तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा. इनिशिएटिव तुम्हें ही लेना पड़ेगा भाई. कहाँ देख रहे हो? बात समझ में आई कि मैं ऐसे ही बक रहा हूँ तुम्हारे सामने? ए, अर्जुन, तुम्हें पहल करनी होगी भाई, आगे तुम्हें बढ़ना पड़ेगा. सर, मैंने बहुत ईमानदारी से कोशिश की थी, बस वो कॉल गलत समय पर आ गई थी. ओ, तो मीरा की कॉल गलत समय पर आ गई थी. हाँ. जब तुम्हारी बीवी आसपास ना हो वो. हाँ? सही समय है. हाँ? ब्रो. हाँ? जब बात रोमांस की हो ना तो थोड़ा नजाकत करना पड़ता है, समझ रहे हो? ऐसे नहीं कि कोई एहसान लगे. अकल का दुश्मन. हेलो, कहाँ ड्रॉप करना है तुम्हें? रॉयपुरम. रॉयपुरम? रॉयपुरम वहाँ का रास्ता मालूम है ना? क्यों, टैक्सी तुम चलाते हो या मैं? रॉयपुरम कहाँ है मालूम नहीं है क्या? नाराज मत हो भाई, दरअसल इस शहर में आए मुझे एक ही हफ्ता हुआ है. ठीक है, चलो मैं बताता हूँ. थैंक यू भाई. 2 किलोमीटर सीधे चलो, फिर जंक्शन पर लेफ्ट ले लेना. सॉरी ब्रदर, वो ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन मैंने तुम पर निकाल दिया और इस तरह बोल बैठा, सॉरी. कोई बात नहीं, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक एडवाइस दूं, जब भी कभी ऑफिस जाओ ना एकदम खुशी से जाओ, हमें अपने काम से प्यार होना चाहिए भाई, तभी तो लाइफ इंटरेस्टिंग बनती है. मुझे मेरा काम ही तो अच्छा नहीं लगता. क्यों? वही तो प्रॉब्लम है मेरी. फिर तो जो अच्छा लगे वो करो. क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं.
मेरी एक दोस्त फिल्मों में काम करती है। मैंने उसे कहा कि मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है, मैंने अब तक कोशिश नहीं की और अब वो अचानक मुझे ऑडिशन के लिए मैसेज करके बुला रही है। तो फिर जाओ ना, कोशिश करो। ब्रदर, मेरे घर वाले बखेड़ा खड़ा कर देंगे, समझ नहीं रहे हो। तुम भी ना घर वालों के बारे में सोचना बंद करो, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए मेरे भाई। एक बार कोशिश करके तो देखो, एटलीस्ट इस बात की खुशी होगी कि तुमने ट्राई तो किया है ना। एक बात बताओ, ये टैक्सी चलाना तुम्हें पसंद है क्या? नहीं भाई, ये तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है, मेरे सपने तो कुछ और ही हैं। ये तो ऐसा हुआ, हमारे सपने जो कहीं खो गए थे वो अचानक किसी अजनबी के मुंह से निकल आए। तुम्हें उस ड्राइवर की बात मानकर ऑडिशन के लिए जाना चाहिए था। क्या तुम ऑडिशन के लिए गए थे ना? हाँ, सच बोलो। हाय, नेक्स्ट नंबर तुम्हारा है, अंदर जाने से पहले फोन स्विच ऑफ कर देना। मीरा, मुझे लगा तुम नहीं आओगे, सोचा एक ट्राई कर लूं तो शायद। ठीक है, यही रुको। मीरा, मैंने कोई सीन प्रिपेयर नहीं किया है, तुम कोई सीन दे सकती हो, मैं प्रिपेयर कर लूंगा। सीन ये लो, ये सीन प्रिपेयर कर लो। हाँ, ओके। मीरा, इस सीन में तो फीमेल कैरेक्टर भी है। तुम अपना कैरेक्टर करना, बाकी मैं संभाल लूंगी। तो चलो ना, साथ में प्रिपेयर करते हैं। हे, ये मैंने ही लिखा है, अंदर जाते समय फोन स्विच ऑफ कर लेना। मीरा सर, और कितने लोग हैं? और 12 लोग हैं सर। ठीक है। या सिट। हाँ, व्हाट्स योर नेम? अर्जुन। हाँ, अर्जुन सर। ओके, रेडी टू परफॉर्म? कौन सा सीन है? ब्रेकअप सीन्स। ओके ओके, शुरू हो जाओ। फर्स्ट टाइम है ना? रिलैक्स, ओके? भूल जाओ कि यहां 8-10 लोग खड़े हैं, बस अपने कैरेक्टर में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। ओके, रिलैक्स, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ। या गो फॉर इट एंड एक्शन। बोलो प्रीति। अर्जुन, मैच का क्या हुआ? मैं हार गया। कोई बात नहीं, अगली बार जीत जाओगे। तुम दुखी हो क्या? क्या फर्क पड़ता है उससे? चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे फिक्र है इसके, पूछ रही हूँ। हाँ, तुम्हारा प्यार और फिक्र मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रीति। तुम मेरी जिंदगी में आने से पहले बॉक्सिंग ही मेरी जिंदगी थी, मेरा पूरा फोकस ही बॉक्सिंग पर था, लेकिन अब मैं तुम्हारे ख्यालों में घिरा हुआ रहता हूं। पहले मैं कभी हार जाता और कभी जीत भी जाता था, लेकिन मुझे कभी हारने का डर नहीं था, बट अब मुझे डर लगता है कि कुछ हो गया और मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता पाया तो इसी डर की वजह से मैं रिंग में उतरने से पहले ही हार जाता हूं प्रीति।
मैं मेरे ख्वाबों को खोना नहीं चाहता। तुम मुझे मुझे यह प्यार नहीं चाहिए। अर्जुन डोंट बी इंपल्सिव, जो भी प्रॉब्लम है हम दोनों मिलकर। नहीं चाहिए, तुम्हें देख लूं तो वापस चाहत बढ़ जाएगी मेरी। तुम नेचुरल एक्टर हो अर्जुन, अच्छा परफॉर्म किया। आई लेट यू नो, हम काम करेंगे ठीक है। लेकिन सच में गुड जॉब। एक अरसे बाद किसी ने मेरे लिए तालियां बजाई थी सर, और इसके लिए जिम्मेदार भी वही थी। फिर अचानक वो मुझे कुछ अलग दिखने लगी, मुझे उससे लगाव हो गया। मुझे नहीं पता कि वो प्यार था या कुछ और, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि ये वही लड़की होगी जो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस होगी। मैं बात कर रहा हूं ना, बीवी के साथ नहीं रहना चाहते थे, जिसे पसंद करते थे उसके साथ रहना चाहते थे। ये कोई गलत बात नहीं है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो किया वो गलत ही था, मीरा के लिए मेरी चाहत गलत ही थी, और यही सच है, मुझे कुछ छुपाना नहीं है। थैंक्स मीरा। किस लिए? अगर तुम मेरी जिंदगी में फिर से नहीं आती तो मुझे जिंदगी भर वो अनचाह काम करना पड़ता। लेकिन अब मैं वो करना चाहता हूं जो मुझे खुद को अच्छा लगता है। इसके आगे अब मैं और कोशिश करूंगा। तुम एक अच्छे एक्टर हो अर्जुन, कोशिश करते रहो, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तुमने ऑडिशन के लिए जो मुझे सीन दिया था बहुत ही जबरदस्त सीन था। तुम्हें उसी कहानी पर फिल्म बनानी चाहिए, सुपर हिट होगी। That's not possible. क्यों? एक साल पहले मैंने उस पर फिल्म बनानी शुरू की थी, लेकिन 10 दिन में शूटिंग रुक गई। ए, झूठ मत बोलो यार। झूठ नहीं है, सीरियसली। प्रोड्यूसर चाहता था कि मैं उसके बेटे को हीरो बना दूं। उसे देखते ही मुझे लगा कि वो इस रोल के लिए फिट नहीं है, लेकिन जो मौका मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। एक दिन जब हम शूटिंग कर रहे थे उसने ठीक से परफॉर्म नहीं किया। मैं सबके सामने उस पर चिल्ला पड़ी, मेरे चिल्लाने से उसका ईगो हर्ट हो गया। लेकिन तुम किसी नए प्रोड्यूसर को लेकर फिर से शुरू कर सकती हो। जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका देती है अर्जुन, फिल्में नहीं देती। Hey, मीरा। मीरा मीरा, तुम उम्मीद मत हारना, तुम्हें दूसरा मौका जरूर मिलेगा। सिर्फ फिल्म की बात नहीं है, जिंदगी में भी मेरे साथ यही हुआ है। मीरा के लिए अनु। ए, जो तुम सोच रही हो मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम ऑफिस नहीं है, फोन स्विच ऑफ था, बिना कुछ बताए पता नहीं कहाँ चले गए, पूरा शहर छान मारा और आखिर में तुम मुझे यहाँ मिले। नशे की धुन में एक लड़की के साथ मजे कर रहे थे। थप्पड़ नहीं मारूंगी तो क्या गले लगाऊंगी? देखो फालतू की बात मत करो। मैं फालतू की बात कर रही हूँ,
ठीक है, तुम दोनों के बीच अगर कुछ नहीं है ना तो अभी उसे कॉल करो और उसे दीदी बुलाओ। करो उसे कॉल। ओफो, समझने की कोशिश करो। तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। उसी की वजह से मुझे आज ऑडिशन का और एक्टिंग करने का चांस मिला। व्हाट? हाँ? वेट वेट वेट, व्हाट? तुम्हें एक्टिंग करने का चांस मिला? हाँ, तो अब उसके साथ घूमने के लिए तुम्हें बहाना भी मिल गया है ना? ए, शक करने की बजाय समझने की कोशिश करो। मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है इसलिए मैंने ट्राई किया, बस और कुछ नहीं। अगर इंटरेस्ट था तो इतने दिनों से ट्राई क्यों नहीं किया? उसके मिलने के बाद इंटरेस्ट जा गया है ना? सही कहा ना? हाँ, क्योंकि वो मुझे मिली। जब मैं तुम्हारे ऑफिस में काम करता हूँ तो पागल हो जाता हूँ उस टॉर्चर से। अब मुझे अच्छे से समझ में आया कि जो करना चाहिए वो करो। इसके बाद मैं तुम्हारे डैड के साथ वो कमोड कितना कंफर्टेबल है ये देखने नहीं जाऊंगा। समझ गई ना? मेरे डैड के साथ काम करने की तुम्हें योग्यता है ही नहीं। Hey! मेरी योग्यता नहीं है? जैसे तुम्हारी कोई एप्पल कंपनी है, तुम लोग तो टॉयलेट आइटम्स बनाते हो, तो इतनी योग्यता काफी है? तुम्हारे जैसे डफर को इजीली जॉब मिल गया, एक बीवी मिल गई, इसलिए ऐसा बोल रहे हो? ये नहीं चाहिए था मुझे। मैंने कहा था मुझसे शादी करो। मैं आया था तुम्हारे बाप के पास नौकरी मांगने के लिए, सिर्फ तुम लोगों की हां में हां मिलाई थी तो मैं नालायक हो गया क्या? मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। करेक्ट, सही कहा। शादी नहीं करते तो उसके साथ मजे कर सकते थे, जो मर्जी वो करते। लेकिन अब मैं तुमसे सवाल कर रही हूं तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुम्हें इतना सब समझाने के बाद भी तुम बार बार उसी की बात कर रही हो? हाँ बिल्कुल, अगर तुमसे शादी नहीं करता तो आज उसके साथ होता मैं। समझ गई? तो उस दिन हाँ क्यों कहा? हाँ? तुम अगर ना कर देते तो मैं अपने डैड की पसंद की लड़के के साथ शादी करके खुश रह सकती थी। हाँ? अभी भी देर नहीं हुई है। मुझे डिवोर्स देकर डैडी के चुने हुए लड़के के साथ शादी करके चैन से जी सकती हो। डिवोर्स? डिवोर्स? तो यहां तक सोच लिया तुमने? हाँ बिल्कुल, ना प्यार है ना हमारे बीच कोई अंडरस्टैंडिंग है, ऐसी रिलेशन में रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इससे अच्छा है कि हम डिवोर्स ले लें और चैन की जिंदगी जिए। इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। नहीं, तो इसका मतलब यह है कि उस लड़की से तुम्हें प्यार है भी या नहीं ये जाने बिना उससे शादी करना सबसे बड़ी भूल थी। यानी इस पूरी प्रॉब्लम के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, है ना? हाँ हाँ। सब कुछ कितनी आसानी से मुझ पर थोप दिया ना तुमने। मैंने उससे शादी की जो सिर्फ मेरी दोस्ती होनी चाहिए थी और यह सब मेरी तकदीर में ऊपर वाले ने लिख दिया। ये सब के लिए वही जिम्मेदार है। ये सब ऊपर वाले ने ही करवाया है भाई, इसने करवाया है जो तुम्हारे सामने बैठा है। इसने? यस। कुछ भी, ये बेचारा क्या कर सकता है। तुमने कहा था ना जो ऊपर बैठा है ये सब उसी की गलती है, ऊपर वाले की, वो मैं ही हूं। यू मीन भगवान? ऊपर वाला? अगर तुम्हें वही भाषा समझती है और तुम्हें यह बात सच नहीं लगती तो रहने दो।
सर, और आप? दूसरा भगवान। दूसरा भगवान? हाँ। तुम जिस तरह से तुम लोग पेश आ रहे थे तो मुझे लगा कि तुम कोई हाईटेक स्वामी हो, मुझे लगा कि तुम मुझे कोई देवी विभूति दोगे और मेरी जिंदगी बेहतर बना दोगे। तुम इतने गए गुजरे हो कि खुद को भगवान समझते हो। तुम लोग मुझे इसमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो ना। भगवान। ओह माय गॉड। लव कोट। लव कोट। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे कोर्ट पहुंचने में देर हो रही है। बट थैंक्स फॉर द एंटरटेनमेंट। भगवान। हे अर्जुन। टाइम नहीं है। हे अर्जुन रुको। अबे जा ना चल। अगर कोई चमत्कार करके दिखाऊं तब मानोगे क्या? आयुष्मान भव। डरो मत, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुमने कहा ना इसमें मेरी गलती है, अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। तुम्हारे हिसाब से जिंदगी जीने के लिए मैं तुम्हें सेकंड चांस दे रहा हूं। यह है उसका टिकट। बात समझ में नहीं आई? हाँ? ये तुम्हारी आगे की जिंदगी का टिकट है। अभी भी नहीं समझे ना? समझोगे भी नहीं, ले लो इसे। बॉस, इसे कंडीशन तो बताइए। कंडीशन नंबर 1, ये टिकट को हमेशा साथ रखना। कंडीशन नंबर 2, तुम इस सेकेंड चांस के बारे में कभी किसी को भी नहीं बताओगे। कंडीशन नंबर 3, अगर ये राज खोला तो तुम मर जाओगे। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन चिल्ला क्यों रहे हो? बुरा सपना देखा। अर्जुन, मैंने तुमसे कुछ पूछा था ना? क्या पूछा था? हमारी शादी के बारे में। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता अनु। ना कहने की एक वजह जान सकती हूँ मैं? एक वजह?
हम दोनों की तो ऑलरेडी ये राज किसी को बताया तो तुम मर जाओगे। ये क्या कर रहे हो तुम? शादी करने के लिए प्यार होना जरूरी है। हम दोनों तो दोस्त है ना, हमेशा दोस्त ही रहेंगे। ये तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। नशे में बड़बड़ा रहे हो ना? जब पिया हुआ होता हूं तो ही होश में होता हूं। बाय। अबे चिल्ला क्यों रहा है? अरे फिर चिल्लाया तो उतार दूंगा। अरे यार तेरी समझ में नहीं आता क्या भाई? हाँ? मैं बोलूं तो भी नहीं समझोगे भाई। ए भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। अरे यार कैसा पागल आदमी है। मेरा हॉल, मेरी घड़ी, मेरा टीवी, सोफा, मेरा घर। आई एम बैक। ओ माय गॉड, पिताजी, मेरा कमरा। डबल बेड मैरिड मैन, सिंगल बेड सिंगल मैन। ए, मुझे फेसबुक पर ऐड करना, बाय। सिंगल मैन मैं। ग्यारह बजे उठने के लिए भी अलार्म लगाना पड़ता है इसे। अर्जुन, हे अर्जुन उठ जा। माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ अरे क्या हुआ? जाकर नहा ले और ब्रेकफास्ट करने आ जा। मामा 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 मामा। क्या हुआ है? पता नहीं क्या हो गया इसे। सुन अर्जुन, शाम को जल्दी आ जाना, तेरे डैडी को तुझसे कुछ बात करनी है। ए ध्यान कहाँ है तेरा? तुझसे ही बात कर रही हूँ, क्या हाथ को देखा जा रहा है तब से? तुम्हें ये दिखता नहीं? नहीं तो कुछ होगा तो देखोगी ना। ए सुबह से देख रही हूँ, अजीब सी हरकतें कर रहा है तू। ए रात को पी थी क्या? नहीं, मैंने नहीं पी। ये ले डोसा खा ले। अरे बाप रे, एक अरसा बीत गया तुम्हारे हाथ का डोसा खाकर। तुम उसके हाथ का डोसा खाती तो। अरे 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 क्या कर रहा है तू? तुम नहीं समझोगी माँ। जरूर रात को शराब पी होगी। क्यों भाई, बहुत देर से किसी का इंतजार कर रहे हो लगता है। नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है फिर बैठे रहो। मनी का बच्चा। बोल मेरी जान। तूने अनु को हाँ कर दिया? नहीं तो। लेकिन क्यों? मुझे मीरा अच्छी लगती है रे। क्या
तुम्हारा मतलब मीरा दीदी? ए मीरा, इतने सालों बाद कल ही तो बार भी मिला उससे, इतनी जल्दी उसे प्यार करने लगा? अबे यार मैं तुझे कैसे समझाऊं, तू नहीं समझेगा यार। मैं नहीं समझूंगा भाई। हाँ। फालतू की बात नहीं, वो तुझसे बड़ी है भाई, मेरी बात सुन, ये नहीं हो सकता। ए भले ही वो मुझसे उम्र में बड़ी है लेकिन क्या चीज है यार। चल ठीक है फोन रख बाय 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 बाय। मीरा, अर्जुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं फ्रेंड्स हाउस, इधर ही तो है। हाँ? पहले यहाँ नहीं देखा तुम्हें? मैंने भी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। ओके चलो बाद में मिलते हैं, बाय बाय। अर्जुन अर्जुन सॉरी मेरी स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रही, मुझे जरूरी काम है, तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे क्या? सॉरी तुम्हें तकलीफ दे रही हूँ। क्या हुआ? अच्छा चलो ना मीरा। क्या हुआ? क्या मेरा टेंशन में लग रही हो? हाँ अर्जुन, एक प्रोड्यूसर है जो मेरी फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता है, उसने कहा था कि आज एग्रीमेंट साइन करेगा और मुझे हीरो से भी मिलवाएगा, देर से गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए। तुम उसके फिक्र मत करो, वी विल गो फास्ट। जिंदगी तो दूसरा मौका देती है अर्जुन, लेकिन फिल्में नहीं। चलो अर्जुन चलो ना। अब कैसे बताऊं इसे, खुल के कुछ बोल भी तो नहीं सकता। मीरा। हाँ? आजकल के प्रोड्यूसर तो अपने ही बेटे को हीरो बनाना चाहते हैं और हम जैसे को टॉर्चर करते हैं, डायरेक्टर भी उसे यहाँ कह देता है और फिर फिल्म डिब्बे में चली जाती है और वो अजीब तरह से फंस जाते हैं। अरे नजर मत लगाओ प्लीज। नहीं जो सुना है वही मैं बता रहा हूँ, बी केयरफुल मीरा। थैंक यू। वो किस लिए? मुझे कंफ्यूज करने के लिए। अरे हाँ हाँ ठीक है। नहीं, वो मैंने बोला था। क्या सही बात, वो सारा सब बारे में सोच रहा हूँ। क्या और काम ना हो ऐसा हो सकता है क्या? खाना पीना सब, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। आ जाना आ जाना, लेकिन कुछ बोलना मत। चलो मैं हूँ ना, बात करवा दूँगा। हाँ भाई अपना चले गए, मेरा कहना कभी टाल ही नहीं सकते। बहुत अच्छी रोटी है और क्या, देखते जाओ। नो थैंक यू। और बाकी का तुम सब संभाल लेना, ठीक है? चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ, जल्दी चलो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, चलो आओ। कहाँ गया? अरे वो एग्रीमेंट कहाँ है? यहाँ पे रखा है। आ जाओ आ जाओ। हाँ ये लो, भगवान का नाम लेकर साइन करो, सब बराबर लिखा है। वो सर आपने बताया नहीं कि हीरो कौन है? ये लो। अरे और कौन होगा, मेरा बेटा है। आजा बेटा आजा। लो आ गया, शेर का बच्चा आ गया मेरा बेटा। क्या स्टाइल है, कैसा लगा? साइन करो ना, मुहूर्त निकलने से पहले साइन कर दो। सोच क्या रही हो, करो साइन, करो करो। ह
क्या हुआ? वो ठीक वैसा ही हुआ जैसे तुमने कहा था। इसी बात का ताज्जुब हो रहा है मुझे। अरे वो छोड़ो, अंदर क्या हुआ? एग्रीमेंट साइन किया तुमने? अरे इसमें इतना सोचना क्या? क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़का ये रोल ठीक से कर पाएगा? कर पाएगा क्या? तो फिर क्या? एक मौका मिलना बहुत मुश्किल होता है अर्जुन। अरे मीरा, देखो मैं मेरे एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें जिंदगी में दूसरा मौका मिलेगा, लेकिन फिल्मों में इतनी जल्दबाजी मत करो मीरा। हाँ? प्लीज ठीक से सोच लो। हेलो, जल्दी से पेपर पे साइन करो, बहुत देर हो रही है। एक मिनट, क्यों इतना वक्त लगा रही हो? मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हारे साथ फिल्म बनाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, सॉरी। चलो। अरे रुक जाओ, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम एक लड़की हो इसलिए हमने सोचा तुम्हें चांस दिया जाए, और तुम नखरे दिखा रही हो। एक लड़की होकर भी? अच्छा मैंने साइन नहीं किया। अरे मैं भी देखता हूँ कि तुम दूसरी फिल्म कैसे बनाती हो। ए, पकड़ो उसे। लड़की से काहे पंगा ले रहे हो भाई, चलो। जब तुमने उसे उंगली दिखाई तो उसका चेहरा देखने लायक था। अरे यार तुम में बहुत गट्स है मीरा, मैं तो हैरान हो गया। अच्छा तुम सुबह से मेरे साथ ही घूम रहे हो, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? लो कर लो बात। अरे कल ही तो मेरे एटीकेटी के एग्जाम्स खत्म हुए, और वैसे भी मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं भी एक कोशिश करके देखना चाहता हूँ, तुम मुझे गाइड करोगी? ओह, तुम स्कूल में बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे, है ना? अर्जुन तुम एक अच्छे एक्टर हो, जरूर ट्राई करना, तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सेम वर्ड्स। क्या? मैं समझी नहीं। तुम समझ भी नहीं पाओगी मीरा। थैंक यू। अर्जुन अंदर चलो, थोड़ी देर बाद चले जाना। नहीं इट्स ओके मीरा। पागल मत बनो, चलो। ये बारिश कभी रुके ही नहीं। क्यों? मतलब अगर चेन्नई में ऐसी बारिश होती रही तो हमें पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मीरा तुम्हारा फोन नंबर क्या है? लिख लो। 9841098410222485। तुम्हें कैसे पता? ओह करेक्ट था क्या? ओह कोइंसिडेंस। बारिश रुक गई है मेरा। अब मैं चलता हूँ, थैंक्स फॉर द कॉफी। अर्जुन अगर आज तो मुझे नहीं मिलते तो शायद गलत फैसला कर लेती। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो एक कोइंसिडेंस नहीं लगता मुझे। सच में वो कोइंसिडेंस ही था मीरा। शायद ये भगवान ने कराया हो। हाँ, वी कैन से दैट। थैंक यू अर्जुन। हे, ये श्रुति है,
मेरी बेस्ट फ्रेंड, स्कूल में मेरा जूनियर था। जिस पे मैं अपनी जान दे दूं। सुनो बैठ जाओ। तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो गए, घर पर निकम्मों की तरह कब तक बैठे रहोगे? जॉब के लिए अप्लाई करो। पापा मुझे एक्टिंग करनी है। पापा क्या कहा? पढ़ाई करनी है? इंजीनियरिंग में 6 साल लगा दिया तुमने, अब कौन सी पढ़ाई करोगे? पढ़ाई नहीं पापा, एक्टिंग। क्या कहा तुमने? एक्टिंग करोगे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? चला है एक्टिंग करने, इडियट। नहीं पापा, बचपन से मेरा एक्टर बनने का सपना था, मुझे कोशिश तो करने दीजिए ना। ए, सुबह से देख रही हूँ मैं तुझे, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। ये फिल्मों के चक्कर में क्यों पढ़ना चाहता है तू? अच्छी सी नौकरी कर ले और सेटल हो जा। मैं नहीं कर सकता माँ, आप लोगों की बातें बार बार सुनकर वो बोरिंग जिंदगी को मैं अपनी जिंदगी नहीं बता सकते। जिंदगी रूखी सुखी हो जाएगी माँ। क्या कहा? रूखी सुखी हो जाएगी? तो तुझे इंजीनियर हमने किस लिए बनाया? एक्टिंग करने के लिए। प्लीज पापा, बस 1 साल कोशिश करने दीजिए। सुनिए, तू भी ना अर्जुन, बोलना मनी। अर्जुन, मैंने मैथ्यू से शादी करने के लिए हाँ कर दी, नेक्स्ट वीक एंगेजमेंट है। बस इतना ही कहने के लिए कॉल किया था। अनु, टेक केयर, बाय। अनु, चली गई वो। ए, तूने उसे कॉन्फ्रेंस पर क्यों लिया? उसका कॉल अवॉइड क्यों कर रहे हो? क्यों इसे छोड़कर नया रिश्ता बना रहे? हाँ तो भाई, तू नहीं समझ पाएगा यार। समझना भी नहीं चाहता? अरे यार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कर रहे हो? अचानक मीरा से कैसे प्यार हो गया तुम्हें? अनु को अवॉइड क्यों कर रहे? तू हुआ क्या है तुझे? उसने शादी के लिए पूछा है सिर्फ, या तो हाँ बोलो या फिर ना बोलो, जाओ। ये मत भूलना कि अनु हमारी दोस्त है, समझा? बावड़ा। बस एक पैक बेबी। तुम हमेशा पैक के लिए भी क्यों मांगते हो? बेबी बस बस एक ही। अच्छा ठीक है, चलो। थैंक यू। आखिरकार तू आ गया। आओ आओ। अबे क्या नाराज है? हाय। हे, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। मुझे ये बता, तू उसे अवॉइड क्यों कर रहा है? तू ये बात नहीं समझ पाएगा मनी। देख लो बेबी, ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। देखो अनु आ गई। हेलो। ये मुझे अवॉइड क्यों कर रही है? पहले तुमने किया, अब उसकी बारी है। चल एक दम मार के आते हैं। चल।
मैथ्यू नो मैथ्यू उसे देख रहा है सूट में भले ही वो भैंसे जैसा दिख रहा है लेकिन इंसान बहुत अच्छा है भाई अब तू ऐसे मुंह क्यों बना रहा है यार तुम दोनों को ऐसे देखा नहीं जाता यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कुछ करो उससे बात करो भाई समझे क्या समझे बस हूँ हाँ करता रहता है समझता कुछ भी नहीं है खैर मुझे क्या करना है अरे अर्जुन अंदर आ अनु घर पे हैं अंकल अनु मैथ्यू के साथ बाहर गई है आती होगी कोई बात नहीं अंकल जब अनु आ जाएगी मैं फिर आ जाऊंगा अंदर तो आओ कम सिट डाउन विस्की नहीं नहीं अभी नहीं अंकल स्कॉच ड्राइव करके घर पे जाना है अंकल ओके जीसस चीयर्स अनु ने बताया मुझे कि तुमने अपने पेपर्स क्लियर कर लिए हैं हाँ अंकल तो मेरी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते क्या हुआ नहीं चाहते तो कोई बात नहीं और रिएक्शन क्यों कर रहे हो बैठो ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है अंकल उसे परस्यू करना चाहता हूँ वेरी गुड इस उम्र में रिस्क नहीं लोगे तो फिर कब लोगे स्कूल के ड्रामा में देखा है तुम्हें अच्छी एक्टिंग करते हो तुम कोशिश करो इतना आसान नहीं है वो इस डिसीजन की वजह से मेरे पापा मुझसे बात नहीं कर रहे उन्हें मुझ पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है अब छोड़िए ना अंकल आओ मेरे साथ कम कल्लीकुलम जहां मैं पैदा हुआ था तिरुनेलवेली जिला का एक छोटा सा गांव है बचपन में मैंने वहां कोई टॉयलेट नहीं देखा अर्जुन हमेशा खुले में जाते थे सभी एक दिन मेरी मां खेतों में गई थी सांप के काटने से उसकी मौत हो गई और मैं बिना मां का हो गया उसकी वजह सिर्फ एक ही थी हमारे घर में टॉयलेट नहीं था अगर होता तो मेरी मां नहीं मरती ऐसे तभी मैंने ठान लिया जैसा मेरी मां के साथ हुआ किसी के साथ ना हो जब मैंने कहा कि मैं गांव में फ्री टॉयलेट बनवाऊंगा तो लोग मुझे पागल कहने लगे हंसने लगे मेरे ऊपर लेकिन मैंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया सिर्फ एक बैग लेकर ट्रेन में बैठ गया मैंने दिन रात जी तोड़ मेहनत की है बेटा जिसकी वजह से आज मैं टॉयलेट बनाने वाली कंपनी का मालिक हूं आज मेरे पास इतना बड़ा बंगला है कार है अच्छा बैंक बैलेंस है लेकिन इससे खुशी नहीं होती है बेटा मेरी मेहनत की कमाई से जब मैंने अपने गांव में मैंने 420 टॉयलेट बनवाए हैं जो किसी जमाने में मुझ पे हंसते थे
आज वही मेरी तारीफ करते हैं। अगर तुमने अपने आप को साबित कर दिया तो सब तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा। एक ही रास्ता है, सिर्फ हार्ड वर्क बेटा। एक बात का गम है, मैं अपनी वाइफ का ठीक से ध्यान नहीं रख पाया और वो गुजर गई। अनु शादी करके चली जाएगी इस ख्याल से मुझे बहुत घबराहट होती है कि उसका ठीक से ख्याल रखा जाएगा या नहीं, वो खुश रह पाएगी या नहीं। मैं अर्जुन को बचपन से जानता हूं, मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा वो, और हमें क्या चाहिए सर? जैसे कि तुम्हारी कोई एप्पल कंपनी है, टॉयलेट से तो बनाते हो ना तुम लोग। ठीक है अंकल, अब मैं चलता हूं। ये अनु को दे देना अंकल। सॉरी अंकल। किस चीज के लिए? से बात की और यह सुनकर बुरा लगा कि आप उससे बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं कर भी क्या सकता हूं, मुझे डर है कि वो फिल्मों में गया तो बिगड़ जाएगा। अभी बच्चा नहीं है वो, दो झापड़ पड़ेगा तो एक्टिंग का सारा भूत उतर जाएगा। आई अंडरस्टैंड अंकल, और आपका डर जायज है। मैं बस आपको उसे सपोर्ट करने के लिए कह रही हूँ, वो सच में बहुत टैलेंटेड है अंकल। ये देखिए तो, हमारे जीवन में प्रतिष्ठा केवल इसलिए है क्योंकि भय नाम की कोई चीज हमें पता भी नहीं। उसने कॉलेज फेस्टिवल में परफॉर्म किया था, ये उसी का वीडियो है। आप इसमें देखिए कि कितने लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं। एक ही तो जिंदगी होती है, जो उसे पसंद है उसे करने दीजिए। आई एम श्योर ही विल मेक यू प्राउड वन डे। प्लीज अंकल, एक बार उससे बात कर लीजिए प्लीज। खुश रहो बेटा। थैंक यू अंकल। मैथ्यू बड़ा नसीब वाला है जिसे तुम्हारे जैसी बीवी मिली। खुश रहो बेटी। थैंक यू आंटी। हाँ, हमारा भी सपना है कि उसकी शादी हो जाए। अगर वो फिल्मों में गया तो कौन करेगा उसे शादी? अब तुम ही बताओ, क्या तुम करोगी ऐसे लड़के से शादी? बिल्कुल करूंगी आंटी, पर एक शर्त रखूंगी कि किसी हीरोइन से चक्कर ना चलाए, वरना मैं डिवोर्स दे दूंगी। हाँ वो तो है। हे I'm sorry too. Noodles head.
कॉन्ग्रेट्स। मणि को इनविटेशन देने जा रही हूँ, तुम चलोगे? चलो बाय मां। हे, तुम्हारे पास एक साल का टाइम है। थैंक्स पापा। अच्छा तो गाना था, बंद क्यों किया? हा? तुम्हें तो गाना पसंद नहीं है ना? मुझे यार रहमान के सारे गाने पसंद है, प्ले करो। हा? रहने दो, अरसा हुआ हमें बात करके। ओके। अरे मैं तो पूछना ही भूल गई, मीरा से प्यार करते हो ना? हा? मनी ने बताया ना? मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम तो उस पर मरते हो। ऐसा कुछ नहीं है, अभी जब से मैं उससे मिला था। ओ, प्रपोज किया उसे? ए, मैं जानता भी नहीं कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं, ऐसे ही कैसे प्रपोज कर दूं उसको? तो चलो उसे अभी कॉल करो। हा? किस लिए? कॉल करो और कहो इस वीकेंड तुम्हारे एक फ्रेंड की बैचलर्स पार्टी है, पूछो वो आ सकती है क्या। ए, वो हमारी बैचलर्स पार्टी में क्यों आएगी यार? करेक्ट, किसी अजनबी की पार्टी में नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी अगर वो तुम्हें हाँ बोल देती है, मतलब वो तुम में इंटरेस्टेड है, सिर्फ तुम्हारे लिए ही आएगी। ऑफ कोर्स शी इज इंटरेस्टेड इन यू। ए, नूडल्स हेड। हाँ, क्या कॉल करो उसे। हाँ। लाइन बिजी है। कोई बात नहीं। तो अब वो कॉल बैक करेगी। क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। ओहो, मेरे घर वालों ने इसलिए शादी करवाई थी कि तुम मेरा मुंह तोड़ सको। हाथ लगा कर देखो, डिवोर्स देकर चली जाऊंगी। इस झाड़ू से मुझे डरा रही हो? कौन होती है मुझे डिवोर्स देने वाली? मैं खुद देता हूँ, जाओ यहाँ से। ए, अंदर कहाँ जा रही हो? तुम्हारे बाप का घर उधर है। हे मणि। हे, तुम लोग फिर से एक हो गए क्या? बहुत बढ़िया। ए स्वाति, क्या है? मेरा दोस्त आया, बाहर आओ ना। आइए। तुम इससे डिवोर्स की बात कर रहे हो? गलत बात है मनी। क्यों बे? बाहर तो अपनी पत्नी को बेबी बेबी करता है और घर में इस तरह झगड़ा करता है। अपना एडवाइस अपने पास रख भाई, झगड़े कौन से घर में नहीं होते, हम क्यों झगड़ रहे हैं तुझे तो ये भी पता नहीं। मैंने कहा बच्चा होगा तभी हमारी फैमिली कम्प्लीट होगी, ये मना कर रही है। क्यों स्वाति? अगर अभी बच्चा हुआ तो उसके साथ कम समय बिता पाऊंगी, इसलिए। रीजन कोई भी हो, दोनों का मतलब प्यार ही है ना। ये मेरी जान है, इसे छोड़ नहीं सकता। क्यों बेबी? याद है कॉलेज में मनी कैसा था, और अब देखो वो कितना मैच्योर हो गया है। शादी के बाद लोग समझदार हो जाते हैं, अजीब बात है ना। ओ, ओ, मीरा, मीरा, hey. बात करो इससे, बात करो। नहीं नहीं, हेलो मीरा, बोलो अर्जुन। अब क्या कहूँ उसको, पूछो ना। क्या हुआ? इस वीकेंड में एक फ्रेंड की बैचलर्स पार्टी है, तुम आना चाहोगी? ठीक है, आ जाऊंगी। यस।
कार लेकर के आता हूँ। या अच्छा मनी, मैंने तुमसे जो कहा था तुमने वो काम किया? मेरी शादी में जरूर आना। 10 मार्च को? हाँ, माय बर्थडे। ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो बताओ, शादी की शॉपिंग पूरी हो गई? नो, शुरू भी नहीं हुई। लिसन, यू हैव टू कम, ओके? मैं डेफिनेटली आऊंगी। हे मीरा, कैब आ गई है। हाँ, नाइस मीटिंग, ऑल द बेस्ट, बाय। शादी के लिए 25 दिन बाकी हैं, शॉपिंग में देर मत करना। या चलो, मैं चली जाऊंगी, तुम रुक जाओ। श्योर ना? हाँ हाँ, डोंट वरी, बाय। ओके, ओह, बाय बाय। I'm sure she likes you. Hmm? उसके बर्थडे पर कुछ अच्छा प्लान करो और उसे प्रपोज करो। क्या कर सकता हूँ? तुम्हें फ्री के आइडियाज चाहिए क्या? मेरी शादी की शॉपिंग में मदद करो, मैं तुम्हें आइडिया दे दूंगी। डी बर्थडे वीडियो। हाँ? बर्थडे वीडियो। बर्थडे वीडियो? मीरा के बचपन के कुछ खास फ्रेंड्स तो होंगे ही ना? तो उन सबसे मिलो, बर्थडे विशेस का एक वीडियो बनाओ और गिफ्ट करो। अरे फिर प्रपोज कैसे करूं? वीडियो के एंड में तुम भी विश करो और प्रपोज कर दो। हे, ये ट्राई करो ना, तुम पे अच्छा लगेगा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन लेकिन हे, मैं उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं, तो उसके खास लोगों को कैसे ढूंढूंगा? उसके किसी फ्रेंड को तो जानते होगे ना? हे, अरे आराम से। पता है ना, हिल्स तुम्हें सूट नहीं होते, फिर भी क्यों ट्राई कर रही हो? शादी के दिन फिसल कर गिर जाओगी, बता रहा हूं। श्रुति ने जो लिस्ट दी है, इसमें से बहुत से लोग केरला में रहते हैं। उन्हें कॉल करके पूछो कब फ्री है और केरला के लिए निकल पड़ो। बेवजह मैं वहां क्यों जाऊं? ये कैसा रहेगा? उनको ही बोलता हूं कि रिकॉर्ड करो और मुझे भेज दो। बेवजह? हाँ। हे, तुम उसे चाहे जो भी गिफ्ट दे दो, पर तुम्हारे एफर्ट ज्यादा इंप्रेस करेंगे। बाय द वे, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता? मैं एक लड़की हूँ। अर्जुन, कैसी है ये? बहुत सुंदर। ए सुन, हाँ बोल। मीरा के बर्थडे पार्टी का वीडियो बनाकर उसे प्रपोज करूंगा। तो करना, किसी ने ना बोला क्या? 2 दिन के लिए केरला जा रहा हूँ यार, तू भी चल। hey, no chance. मेरे सास ससुर आए हुए हैं, तू जाके आ जा। hey, okay? अरे सुन ना यार, मैं चलूं क्या तुम्हारे साथ? बच्चों जैसी बात मत करो, 1 हफ्ते में तुम्हारी शादी है। 2 ही दिन की तो बात है, आई मैनेज। मणि ने ठीक ही कहा, शादी के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, कभी कभार मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये शादी वादी फिलहाल भूल जाते हैं, जस्ट लाइक स्कूल एंड कॉलेज डेज। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, प्लीज अर्जुन। कॉलेज के फाइनल ईयर में याद है तुम्हें बाइक ट्रिप करनी थी? हाँ, लेट्स डू दैट। सीरियसली? सीरियसली? हाँ, ओके, लेट्स गो।
लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। रास्ते में जो भी होटल मिले वहां रुकते हैं। ओके। ये जगह मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही। मैं बहुत टायर्ड हूँ। इट्स ओके, एक रात की तो बात है। वील मैनेज। शायद वो कमरा है। तुम बोलो। क्या कर रहे हो? वो मैं नीचे सो जाऊंगा। पागल हो? नूडल्स हेड माय फ्रेंड। नहीं अर्जुन, व्हाट द हेल। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। वो लड़की कैसी है? हाँ क्या मतलब? अरे उसका रेट तो बताना भाई। ए, क्या कर रहे तुम? और क्यों रहे? वो मेरी बीवी है। सॉरी भाई, सॉरी, मुझे पता नहीं था। सॉरी। यहाँ का व्यू कितना रोमांटिक है ना? प्रपोज करो। आई लव यू अनु। गलत नाम लिया तुमने। सॉरी। चलो फिर से बोलो। अनु, अभी नहीं, मेरा मूड नहीं है। बाद में जब मैं अकेला रहूंगा। ओह, अकेले में बोलना चाहते हो? हाँ सेकेंड। क्या तुम मेरे भाई की भी विशेष शूट करोगे? तुम्हारे भाई का नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा तो लिस्ट में नहीं है। मीरा और मेरे भाई कभी साथ हुआ करते थे, बाद में उनका ब्रेकअप हो गया इसलिए श्रुति भूल गई होगी। लेकिन इस वीडियो में मेरे भाई को देखकर मीरा बहुत खुश होगी। पर पुरानी बातें दोबारा भाई अभी कहां होगा? वो बॉक्सिंग क्लब गया है। मुझे सिर्फ दो मिनट दो, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ। तो चलो साथ में प्रिपेयर करते हैं। हे, ये मेरी ही कहानी है। प्रिया, कृष्णा बॉक्सर है? बॉक्सिंग उसके लिए सब कुछ है। कृष्णा,
ये तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है बॉस, मेरे सपने कुछ और हैं। उसके एक्स को देखकर तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? ए, ये तुम नहीं समझ पाओगी। ब्रदर कैसे हो तुम? सच में मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ मिलोगे। कौन है ये? ये मीरा के फ्रेंड्स हैं, चेन्नई से आए हैं मीरा के बर्थडे के लिए वीडियो बनाने के लिए। ब्रदर मैंने पहले ही उसे बहुत हर्ट किया है, अगर फिर से वो मुझे इस वीडियो में देखेगी तो और हर्ट होगी, तो रहने दो प्लीज। अब मुझे डर लग रहा है, डर है अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा। इसी डर की वजह से मैं रिंग में उतरने से पहले ही हार जाता हूं। ब्रदर तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरी नहीं है? सॉरी, इसकी लाइफ में कोई दूसरी नहीं है तुम्हें कैसे पता? मैं एक लड़का हूं अनु, सबकी लाइफ का कोई पास्ट होता है अर्जुन। ये सब छोड़ो, मीरा को प्रपोज करने के बारे में सोचो, वो जरूर हाँ बोलेगी। इन घुंघराले बालों में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। ये कैसी इररिलेवेंट बातें कर रहे हो तुम? हाँ मुझे लगा तुम बोल दिया। बचपन से मुझे नूडल्स हेड कहकर चिढ़ाते आ रहे हो, अब क्या हो गया तुम्हें? लाइफ में हर चीज बहुत लेट समझ में आती है मुझे, इसलिए। थैंक्स फॉर द ट्रिप अर्जुन, मेरी जिंदगी के ये दो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर लव अनु। अगर कोई प्यार ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो फिर इस शादी का क्या मतलब हुआ? इससे अच्छा होगा कि हम डिवोर्स ले लें और चैन से जिएं। इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? ऑल द बेस्ट फॉर योर वेडिंग। चार बजे पेपर साइन करने आ जाओगी ना? डिवोर्स, डिवोर्स।
आप चलिए पापा, मैं ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आओ मेरे साथ। हे हाय, कैसे डूड? सब ठीक है? तुमने मीरा को बर्थडे वीडियो दिया क्या? उसे देखने के बाद बड़ी पपिया झपिया दी होगी उसने। हे मीरा, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मीरा, कितने दिन हो गए तुमसे मिले। हैप्पी बर्थडे मीरा। हैप्पी बर्थडे मीरा। हैप्पी बर्थडे बेटा। मीरा, मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुम खुश तो हो ना? हैप्पी बर्थडे मीरा। यू हैव वन मोर सरप्राइज, थोड़ा उस तरफ देखना। ए बाड़म, खुद को सागर का कमल हसन समझता है क्या? अबे तो क्यों? तुमने उन दोनों को क्यों मिलाया? बोलेगा कि नहीं? जिस लड़की को चाहता है उसे किसी और के साथ देखकर बुरा नहीं लगता? बुरा तो लगता है दोस्त, जब अनु और मैथ्यू को उनकी एंगेजमेंट में मैंने देखा, जब मैथ्यू ने अनु को किस किया, मेरी तो जान निकल गई। हे, तुम्हें अनु से प्यार हो गया क्या? बोलना। चल यार, यहां और नहीं रुक सकता, मैं चलता हूं। ये अर्जुन, 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 अरे सुन तो। हे, अनु को पता है तू उसे प्यार करता है? तू उसे बताया क्यों नहीं? तू नहीं समझेगा दोस्त। अबे तेरी, जब उसने पूछा था तभी हाँ कर देता तो आज यहां नहीं बैठा होता तू। तू भी क्या कर सकता था, ऊपर वाले ने तेरी किस्मत ही ऐसी बनाई है। ये बॉडम की तरह तू हंस क्यों रहा है? तू नहीं समझेगा दोस्त। कोई चीज अपने पास होती है तो उसकी कीमत समझ में नहीं आती बेटा, उसे खोने के बाद पता चलता है। ठीक है, चल उससे बात करते हो और शादी रुकवाते हैं, समझा? ए, ये कोई फिल्म तो नहीं चल रही है यार। तू चलेगा या मैं जाऊं? ए, तुझे लगता है तेरे बताने पर वो सब कुछ छोड़ के आ जाएगी? अनु एक प्रैक्टिकल लड़की है, वो नहीं आएगी। बड़म। हे, ऑटो, हाँ?
पे चलो उसे बताते हैं। भूपति दो टकीला शॉट्स प्लीज। पागल हो गई हो? दारू पीने के लिए शादी से भाग गए तुम हैं? थ्री मोर शॉट्स प्लीज। क्या बात है अनु? मुझे शादी नहीं करनी अर्जुन। नहीं करनी तो शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? तुमने मीरा को प्रपोज क्यों नहीं किया? कुछ पूछ रही है, जवाब देना। अब मुझे लगा कि मैं उससे प्यार नहीं करता। झूठ बोल रहा है, ये तुमसे प्यार करता हूं। चुप रहे यार। मुझे पता है अर्जुन, आई लव यू अनु। जिंदगी में हर चीज मुझे लेट समझ में आती है। ऑल द बेस्ट फॉर योर वेडिंग। मुझे महसूस हुआ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विल यू टेक मैथ्यू एज योर हस्बैंड एंड मैरी हिम माय चाइल्ड, टेल मी। अगर अभी मैंने ना कहा तो मैं जानती हूँ कि इसका असर बहुत सारे लोगों पर पड़ेगा। पर मैंने देखा कि तुम्हें बुरा लग रहा है और तुम चर्च से निकल गए थे, इसीलिए सबको छोड़कर मैं वहां से भाग गई। अकेले खड़े हो ना, इसलिए मैं आ गई। ऐसा कुछ नहीं है। आई कैन रीड योर फेस अर्जुन। तुमने जो कुछ किया वो पागलपन है। जानती हूँ, बट प्यार में कोई लॉजिक नहीं होता ना, बस मैजिक होता है। तुम ही ने कहा था ना। या शाबाश शाबाश, तालियां तालियां। अब समझा बच्चू? अनु तुम बहुत अच्छी लड़की हो। But I don't deserve you. मैथ्यू एक अच्छा लड़का है, वही तुम्हारे लिए सही बंदा है। हो सकता है, but he's not you. मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकती हूँ। तुम्हें तकलीफ होगी। Hey! बिना साथ रहे कैसे पता तकलीफ होगी? ज्योतिष हो गया क्या? अरे यार तू नहीं समझ पाएगा रे। फिर शुरू हो गया। ए, बार बार एक ही बात क्यों बोलता है? एक ही बार में बता दे मुझे, फिर मैं तुझे बताऊंगा मुझे समझ में आया कि नहीं। तो बताओ अर्जुन। नहीं अनु। ए, चल बोल ना। अगर किसी को बताया तो तुम मरोगे। हमारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और तुम्हें मैंने इतनी तकलीफ दी कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई, समझ गई? हाँ? तू भी समझा। अब तुम्हें मरना होगा। नहीं। ए, क्या कर रहे हो? ए, ओ, ओ, सुन। अरे बात सुन अर्जुन। नहीं अर्जुन। अरे यार अर्जुन लॉरी। तुम्हारे सारे चांस खत्म हो गए।
सब खत्म। उस लाइफ में अब तुम मर चुके हो। सर, 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 सर! अर्जुन, शर्त तोड़ना ये तुम्हारी गलती थी, लेकिन फिर भी हम तुम्हें माफ करके तुम्हारी जिंदगी में भेज सकते हैं। यहाँ खड़े होकर चिल्लाना बंद करो। गो गो गो, गो टू योर कोर्ट। अब तुम्हें जाने के लिए देर नहीं हो रही है क्या? अगर मैं कोर्ट गया और अनु ने डिवोर्स दे दिया, सर सर सर, मुझे एक और मौका दे दीजिए। जिंदगी फिर से शुरू करूंगा। इस बार मैं उसे हाँ कहूंगा और उसके साथ खुश रहूंगा। प्लीज सर। जो अपनी प्रॉब्लम्स खुद फेस करता है वही हीरो होता है। और तुम कौन हो? हीरो हो ना? हाँ, जाओ कोर्ट जाओ, तुम्हारी अनु से मिलो। सर, उसके सामने जाने से भी मुझे बहुत डर लग रहा है सर। वो तुमसे सिर्फ प्यार चाहती थी। जाओ, जाकर अपनी बीवी के पैरों में गिर जाओ। कितना ड्रामेटिक है, इन इंसानों पे मुझे दया आती है। सर, क्या मैं एक बार आपसे गले मिल सकता हूं? खुश रहो। बहुत थक गया हूं मैं। क्या हम हॉलीडेज पर जा सकते हैं? सर, अभी बहुत सारे पेंडिंग केस निपटाने, काम खत्म करना है, काहे का हॉलीडे। ओह माय गॉड, जरा सोच ले, जोश में आके कुछ मत करना। हे, सुनिए सर, जज साहिबा नाराज हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज सर, आइए इधर आइए। नेक्स्ट, आइए। तुम्हें सुबह चक्कर आ गया था, अब ठीक हो तुम? स्ट्रेस की वजह से हुआ है मैडम, कोई खास बात नहीं। हाँ, क्या ये डिवोर्स तुम्हें मंजूर है? मंजूर है। ओके मैडम। मुझे ये तलाक नहीं चाहिए मैडम। हाँ, यहाँ मजाक चल रहा है क्या? सुबह कहा था डिवोर्स चाहिए, शाम को कह रहे हो नहीं चाहिए। कितने सारे डिवोर्स केसेस पेंडिंग है पता है तुम्हें? ए, तुम अपने आप को आखिर समझते क्या हो? मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। मेरी गलती है मैडम, डिवोर्स का फैसला मैंने जोश में आकर लिया था, इसने नहीं। हाँ? ये मुझे बहुत पसंद करती है मैडम, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। क्यों, ये तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे लिए भाग कर आएगी। इसके जैसी लड़की तो किसी को नहीं मिलती है मैडम। मुझे इसके वैल्यू समझ में नहीं आई और मैंने इसे खो दिया। मुझसे ये मत पूछिए कि क्या हुआ, लेकिन आज मेरी समझ में आ गया कि नूडल सेठ जो यहां पर खड़ी है ना, ये मेरी दोस्त है, लवर है, बीवी है, जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। मुझे पता है मैडम, मुझे पता है ये मुझसे बहुत नाराज है, लेकिन एक ना एक दिन मैं इसे जरूर दिखा दूंगा कि मैं इसे कितना प्यार करता हूं। इसे कहिए कि मुझे एक चांस दे दे, सिर्फ एक चांस, प्लीज मैडम। जो बोलना था बोल लिया तुमने, अब क्या? क्या हम
इसे एक चांस दे सकते हैं? चांस देने की क्या जरूरत है मैडम, इनका तलाक करवा दीजिए। नहीं, ये उसे सोचने दो। हाँ, ऐसा नहीं लगता कि इसे तुम पर भरोसा है। मैडम कुछ भी हो सकता है, मेरा चेहरा देखते ही इसे भरोसा हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। क्या चिपकाया है? मीरा को दीदी बोलोगे तुम? मीरा दीदी, और मुझे प्रॉमिस करो कि फिल्म की हीरोइन के ज्यादा क्लोज नहीं जाओगे तुम। साधु की तरह टच किए बगैर एक्टिंग करूंगा। सच में मुझसे प्यार करते हो? नशे में बड़बड़ा तो नहीं रहे हो? अब ये सब घर जाकर करना। कैसा स्टूपिड केस है ये? केस इज डिसमिस्ड। गणपति, मेरे दोस्तों का तलाक होने जा रहा है, कुछ करो गणपति। वो बौड़ा में, लेकिन लड़का अच्छा है। मैं नहीं जानता मैं क्या करूं, कैसे भी करूं उनका डिवोर्स रुकवा दो। पक्का कहता हूं 1000 नारियल में। क्या हुआ, फिर से बेहोश हो गए क्या? हम फिर से एक हो गए हैं क्या? मतलब फिर से? लेकिन सुबह तो कुछ और कहा था और अभी फिर? कैसे यार? ये तू नहीं समझ पाएगा यार। कंडीशन नंबर 2, इस सेकंड चांस के बारे में तुम कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। कंडीशन नंबर 3, अगर बताया भी तो कुछ नहीं होगा। ये लो।